नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। भाई, इस मौसम में अगर किसान भाइयों को कुछ विशेष बातों की ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो क्या है? बीज की तैयारी, उन्नत बीज कौन कौन सा हो, खेत की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हमारे खेतों में सिंचाई हो, कौन कौन सा उर्वरक डलना चाहिए, किस समय पर डलना चाहिए, साथ ही साथ कीट प्रबंधन कैसे करें, इन सभी बातों की सही समय पर जानकारी प्राप्त हो जाने से निश्चित तौर पर आने वाली फसल भरपूर प्राप्त होगी। तो चलिए इन सभी विषयों की जानकारी लेते हैं समन्वित रूप से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रबी में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं, यही बताएंगे आज के अंक में। इस विषय की जानकारी तो हम आपको देंगे ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और कीजिए अपने मन के प्रश्न। हमारा फोन नंबर है 07552660049, साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800200340। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए मिल लेते हैं आज के हमारे विशेष अतिथि से, जो कि है डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विभाग रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन से। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सभी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किसान भाई अपने खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, बीजों के चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी पूर्वी जी, जैसा अभी रबी का सीज़न प्रारंभ हो गया और कई जगह हम देख रहे हैं कि धान जो लेट जिनने बोई थी, धान अभी कट रही है और कई जगह धान कट चुकी है। और सोयाबीन की हम बात करेंगे तो सोयाबीन लगभग सभी जगह कट चुकी है और लोग खेत की तैयारी कर भी चुके हैं। हाँ जी। और अगर पानी दे चुके हैं, एक एक पलेवा करके जो बोनी करते हैं गेहूँ में, तो एक पलेवा भी हो चुका है। और जहाँ तक हम बात करेंगे बीज की, तो किसान का बीज शुद्ध होना चाहिए और अच्छी किस्म का होना चाहिए। उसके बगैर अगर किसान बोनी करेगा तो उसके उत्पादन में निरंतर अंतर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात खेत की तैयारी करना है। खेत की तैयारी में हमें किसान भाइयों को, अगर मान लो गेहूं का चयन कर रहे हैं या रबी की फसल में गेहूं लेना चाह रहे हैं, तो गेहूं में खेत बहुत समतल होना चाहिए और बारीक भुरभुरा होना चाहिए। इसको कम से कम 2 से 3 बार तैयार किया जाना चाहिए। और चने की हम बात करेंगे तो चने की फसल के लिए थोड़े ढेले वाली मिट्टी हो तो भी चल जाएगी, लेकिन गेहूं की फसल के लिए खेत बहुत महीम और बारीक, जितना बारीक खेत होगा और मिट्टी महीम होगी उतनी ज़्यादा अंकुरण क्षमता होगी हमारी गेहूं की। तो खेत की तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है गेहूं के लिए। हाँ जी। और चने के लिए, और जैसा कि हमारे अभी रबी की फसल में अपने पास किसानों के पास गेहूं है, चना है, मसूर फसल ले सकते हैं। तिलहन की हम बात करेंगे तो अलसी भी एक बहुत अच्छी क्रॉप है, फसल है जो किसान भाई अभी काफ़ी एरिया में इसका रकबा बढ़ रहा है। सरसों हमारे किसान भाई रबी फसल में लेते हैं। और कुछ हम सब्जियों की बात करेंगे तो सब्जियों में टमाटर हो गया, आपकी गोभी, बैंगन हो गए, मिर्ची हो गई, ये सब चीज़ें अभी इस रबी में भी ली जा सकती हैं। तो सबसे पहले खेत, तो आप किसान भाइयों को खेत की तैयारी करनी है और खेत अच्छी तरह से अगर मान लो बना हो, समतल हो, तो कोई भी फसल अच्छी तरह से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें, या फिर एक जो मेरे भी मन का प्रश्न है कि बीजोपचार का क्या महत्व है और बीजोपचार की सही प्रक्रिया क्या होगी? जी, बीजोपचार हमारी फसल में, हम खरीफ की फसल लें चाहे रबी की फसल लें, तो बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है या महत्वपूर्ण कार्य है जो किसान भाइयों को किया जाना चाहिए। क्योंकि बीज उपचार से हम कई तरह की बीमारियां, कई तरह के कीटों के प्रकोप से जो हमारे, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक नियमित जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी 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 बिल्कुल, बीजोपचार किस प्रकार से करें और जर्मिनेशन के परसेंट कैसे जान सकते हैं? देखिए, साधारण हम बात करेंगे बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज 80 से 90% जर्मिनेशन हो रहा है, मतलब बीज सही है। अच्छा जी, है ना जी। इसका जर्मिनेशन जांचने के लिए एक तरीका और है, आप 100 बीज आप किसी टाट की बोरी में रख दीजिए। हाँ जी। 100 बीज और उसको गीला कर दीजिए, आप 4-5 दिन बाद देखेंगे
कि उसमें से अंकुरण आ जाएगा जी, बीज तो भी गीला है हाँ, और जो बोरी है वो गीली, है और उसके बाद चार पांच दिन बाद उसको देख लीजिए तो उसमें से आप 100 बीज में से कितने अंकुरण हो रहे हैं हाँ जी, उससे आप अंकुरण प्रतिशत निकाल लेते हैं और उसी से आप उसका बीज दर आप निश्चित कर सकते हैं। 80-90% अंकुरण हो रहा है मतलब आप कुछ बीज का जो रेट है, बीज दर है, वो सामान्य ही आपको लेना है। और अगर मान लो आपका अंकुरण प्रतिशत कम है तो आपको बीज दर बढ़ाना, आपका अंकुरण प्रतिशत 50-60% है तो आपको सवा मतलब जैसे 40 किलोग्राम लगता है एक हेक्टर में, हम बीज की बात करें गेहूं में, तो आपको 60 किलोग्राम कम से कम लेना पड़ेगा। तो अच्छा, ये तो हो गया आपका अंकुरण जांचने हाँ का तरीका। इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर मान लो हम जब भी हम बीज का बीज की बोनी करें उसके पहले हम बीजोपचार जरूर करें। देखिए बीजोपचार करने से दो एक फायदे होते हैं, एक आपका अगर मान लो कोई भी फफूंद जनित अगर मान लो बीमारी है या मिट्टी के अंदर कोई अगर मान लो इसके कैजल ऑर्गेनिज्म है या रोग कारक हैं तो अगर हम बीज को बीज उपचार करेंगे फफूंद नाशक से तो वो हमारा जो पौधा है स्वस्थ रहेगा और उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा है हमारा कीटनाशक, कीटनाशक के माध्यम से हम इसको भी बीज उपचार करते हैं तो जो हमारे अंकुरण के समय या जड़ माहों के समय हम देखते हैं अभी कुछ सालों से 2-3 सालों से गेहूं में जड़ माहों की समस्या आ रही है, तो ऐसे समय में हमारे कीटनाशक से और हमारे फफूंद नाशक से हम बीज उपचार करेंगे। ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक आपका जैविक तरीका है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल जी दमोह से, नमस्कार स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। वर्मा जी को मेरा नमस्कार है जी। मैं भोपाल दूरदर्शन से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं नियमित रूप से वर्षा को तो टीवी पर जो पट्टी लिखी आती है उसमें नियमित रूप दर्शाया जाए अंकों में। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रबी की सीजन में जो प्याज की रुपाई चल रही हमारे क्षेत्र में दमोह में है ना, तो उसमें खरपतवार का जो उपयोग करते हैं हम वो 15 दिन बाद करते हैं ठीक है ना, और अभी एक दवाई ऐसी है कि जो अभी मतलब पौधरोपित करते हैं तो पानी के साथ चलाते हैं, तो इनमें से कौन सी दवा उचित रहेगी जो उससे खरपतवार हमारे खेत में कम हो और फसल हमें भरपूर मिले, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। वर्मा जी आपको नमस्कार है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपके बोलने से पहले मैं बोलूंगी कि आपके सुझाव पर हम जरूर उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी करेंगे, गौर भी करेंगे और उस पर नियमित उसका काम करेंगे। जी आप अपना बात बताएं। जी देखिए दो तरह के खरपतवार नाशक आते हैं, एक होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस, है ना। प्री इमरजेंस क्या होता है, हमारे जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसके समय पे ही हम उसको पानी के साथ जैसे आपने बोला उसको चला देते हैं, तो वो हमारी सुविधा के अनुसार है। अगर मान लो हम प्री इमरजेंस दे सकते हैं खरपतवार नाशक तो हम प्री इमरजेंस दें, अगर मान लो किसी कारण से हाँ कारणवश हम अगर मान लो प्री इमरजेंस नहीं दे पाए, जब अंकुरण बीज का जब अंकुरण होता है खरपतवार का तब उसको मार देता है, अगर मान लो हम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम बाद में भी 15-20 दिन की अवधि में जब हम हमारी प्याज का रोपा जब आपका तैयार हो जाएगा जब ट्रांसप्लांट कर देंगे तो 15-20 दिन की अवधि में जो भी इसके खरपतवार नाशक आते हैं इसको आप डाल दीजिए। तो दोनों तरीके सही हैं, उसमें हम ऐसा अलग से नहीं बोल सकते कि आप बाद में करें, वो किसान की सुविधा के अनुसार है। प्री इमरजेंस भी यूज़ किया जा रहा है कई जगह और पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक भी उपयोग किया जा सकता है, दोनों ही ऑप्शन है किसान भाई के पास। डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि इस मौसम में क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है किसान भाई कौन सी फसल ले अपने खेतों से जिससे वो भरपूर फायदा ले सके? देखिए एक तो है कि आपके पास पानी की सुविधा है कि अच्छा, नहीं है ना। अगर मान लो किसान भाई के पास पानी की सुविधा है, अगर मान लो 6 पानी जैसे गेहूं में 6 पानी की अनुशंसा की जाती है, अगर मान लो 6 पानी की सुविधा है तो सिंचित गेहूं की वैरायटी ही का उपयोग करें, जैसे अभी पूसा तेजस, पूसा मंगल है ना 87-59, 87-13, 15-44 सेमी रिग्रेटेड वैरायटी है, और एक GW 451 वैरायटी, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी, अच्छा प्रोडक्शन है, 1 हेक्टर में 55-60 कुंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन है। GW 322 वैरायटी है, 273 वैरायटी है, GW 273, ये एक अच्छी किस्म की वैरायटी, इनका उत्पादन 50 कुंटल पर हेक्टेयर तक उत्पादन इनका मिल रहा है, और लेटेस्ट वैरायटी जो 10 साल से पुरानी वाली वैरायटी है उसको अभी किसान भाई
रिप्लेस कर दें। जी कुछ कुछ जगह पे कुछ स्पेशल तरह की वैरायटी लगाई जाती है, जैसे कि हम बात करेंगे भोपाल के आसपास सीहोर विदिशा, जैसे शरबती गेहूं का जी एरिया है जी और शरबती के गेहूं के नाम से 1544 भी कई किसान लगा रहे हैं। कुछ अगर मान लो किसान स्पेसिफाई वो लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं शरबती, हाँ 306 जी वैरायटी आती है, बिल्कुल क्योंकि वो खाने की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी रहती है, रोटी नरम बनती है। जी फिर ये रही आपकी पानी की व्यवस्था, अगर मान लो किसान भाई के पास है, जी अगर थोड़ा कम पानी है तो चना लगा सकते हैं, हाँ जी पलेवा करके दो दो सिंचाई हो, एक पलेवा करके एक पानी दे दें, चना भी लगा सकते हैं। चने में भी अच्छी वैरायटी है, जीजे 315 वैरायटी है, जी आरवीजी 202 वैरायटी है, जी आरवीजी 203 वैरायटी है, ये हाँ जी सब अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जी या तो अगर मान लो आपकी ज़मीन जी थोड़ी डॉक्टर साहब, सी, हमारी चर्चा जारी रहेगी जी लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि रबी की फसलों में समसामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। डॉक्टर साहब, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। आप बता रहे थे कि कौन कौन सी हमारी जो किस्में हैं वो लगानी चाहिए। जी बताएं। चने की मैं जैसे बात कर रहा था कि RVG 203, 202 और 203 और 204 भी वैरायटी आ गई है, जी लेकिन ये अभी कम उपलब्ध है, रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं। 202 और 203 जो चने की वैरायटी अच्छे उत्पादन देने वाली हाँ है, जी ये आसानी से उपलब्ध हो सकती है। जी और अलसी, असिंचित गेहूं लगा सकते हैं। हाँ असिंचित, जी जिसके पास पानी की सुविधा पानी की कम कमी है है। या जी एक पानी दो पानी जी दे सकता है, तो उसके लिए असिंचित वैरायटी है। लोकवन में भी थोड़ा कम पानी लगता है, हाँ ये जी वैरायटी असिंचित है, दो पानी तीन पानी में जी आराम से हो सकती है। तो जी कुछ अर्धसिंचित वैरायटी हैं हाँ जी और वो किसान भाई सिलेक्शन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और सिंचित जिनके पास 6 सिंचाई के साधन है, वो पूरी सिंचित, जैसे पूसा तेजस, पूसा मंगल, ये वैरायटी जी। पूर्ण सिंचित। डॉक्टर साहब, क्या ये जो आने वाला समय है 20 नवंबर, तब तक किसान भाई सिंचित वाली गेहूं लगा सकते हैं? बिल्कुल, पूरा नवंबर तक आप सिंचित अच्छा वैरायटी पूरा लगा, नवंबर पूरे लगा नवंबर सकते तक हैं। लगा सकते जी हैं। इवन आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक, 15 दिसंबर तक भी अच्छा वैरायटी अच्छा लगा सकते हैं। हाँ जी कोई गेहूं के लिए कोई ज़्यादा वैरायटी लेट नहीं होती, 15 नवंबर 20 नवंबर तो ये सही समय है, इस जी समय किसान भाई आराम से लगा सकते हैं। इवन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी किसान भाई इसको सिंचित वैरायटी लगा सकते हैं। अर्धसिंचित को अपन थोड़ा पहले लगाते हैं, ताकि जैसे मॉइस्चर जमीन में मॉइस्चर रहता है वो उपयोग हो जाता है, इसीलिए हम जिसमें सिंचाई के कम, जिनके पास साधन कम है, कम पानी की व्यवस्था, उनको पहले लगा लेना चाहिए। जी जैसे शरबती की मैं बात कर रहा था, शरबती थोड़ा पहले लगती है अच्छा वैरायटी, जी जी ना ये अर्धसिंचित है, एक पानी दो पानी में तैयार हो जाती है। अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि रोग रोधी जो किस्में हैं वो अगर आप उन्हें बताएं, क्योंकि जी किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उकता हाँ रोग है इन सभी से, तो हाँ वो अगर आप देखिए, बताएं। ये जो RVG 202 में वैरायटी बता रहा था आपको चने की, ये उकता रोग से रोग रोधी वैरायटी है। अच्छा RVG 203, 202 और 203 ये दोनों वैरायटी जो हैं लेटेस्ट वैरायटी हैं, और जीजे 315 जो देसी चना होता है वो भी रोग रोधी वैरायटी है उकटा से। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो हम एक ही खेत में कंटिन्यूस हर साल चना ले रहे हैं, तो उसमें आप जैव जो फफूंदनाशक होता है ट्राइकोडर्मा ब्रिडी होता है, उसको आप जरूर बीज उपचार करें। और
पांच किलोग्राम अगर मान लो। सब हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, शेर सिंह राजपूत जी शाजापुर से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ मैडम जी नमस्ते जी, मैं तेज सिंह राजपूत ग्राम बजाहेड़ा से बोल रहा हूँ जी। जैसे क्या है कि हम तेजस गेहूँ बोना चाहते हैं, तो एक बीघे में कितना गेहूँ डालें, 30 या 35 किलो? और जैसे क्या है एक और पोषक गेहूँ वो कितना डालें, पदार्थ कितना डालें और गेहूँ की मात्रा कितनी डालनी चाहिए? देखिए गेहूँ का बीज का सीड डेट 40 किलोग्राम का फिक्स है, एक एकड़ में आपको 40 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है ना, ये आपकी हो गई। एक हेक्टेयर में आपको एक कुंटल से ज़्यादा गेहूं का बीज नहीं लेना है, ये फिक्स है। इससे ज़्यादा रिकमेंडेड जो बीज दर है ये इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी आपने जो खाद की बात करी, तो खाद में NPK की मात्रा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की मात्रा जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन जाना चाहिए और 60 से 70 किलोग्राम आपका फास्फोरस जाना चाहिए एक हेक्टेयर में, और पोटास आपकी 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर जानी चाहिए। ये तो आपके मुख्य पोषक तत्व हो गए। इसके अलावा अगर मान लो आप सल्फ़र इसमें दे पाते हैं, अगर मान लो आपने खरीफ में सल्फ़र 3 साल में एक बार सल्फ़र दिया है तो ज़रूरत नहीं आपको अलग से देने की। अगर मान लो आप सोयाबीन फसल आप ले रहे हैं तो बाकी मेजर न्यूट्रिएंट में आप ये 3 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, 120 आपके 60 और 50 से 60 पोटाश, ये मात्रा आपको आप किसी भी खाद से दे सकते हैं, DAP से दे सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट से दे सकते हैं, यूरिया से दे सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि मात्रा जो पर हेक्टेयर की मात्रा है ये उससे एक जो अनुशंसित मात्रा है 120 किलोग्राम इससे ज़्यादा ना हो पर हेक्टेयर। जी जी जी, जो IFFCO की नैनो जो यूरिया है वो कितनी मात्रा में डालना चाहिए? किसान भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत सारी डाल देते हैं कि ढेर पैदावार होगी, तो वो कितने नुकसान? देखिए नैनो यूरिया भी नया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा चीज़ है, अभी किसान भाई इसके प्रति रुझान धीरे धीरे आ रहा है। IFFCO का जो अभी IFFCO ने लॉन्च किया नैनो यूरिया, ये आधा लीटर एक हेक्टेयर में आधा लीटर रिकमेंडेड है। अच्छा जी। हाँ मतलब एक आधे से एक लीटर से ज़्यादा आपको नहीं डालना है जी। और एक ही बार डालना है, और जो आप नॉर्मल आप जो दानेदार यूरिया डालते हैं इसको आप गेहूं में आप जरूर डालते हैं, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार। फिर से रोकना चाहूंगी जी, राहुल सिंह राजपूत हैं खरगोन से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गेहूं की किस्म जानना है जिसमें 2 पानी लगते थे, 2 सिंचाई की जरूरत हो। देखिए आपके यहाँ लोकवन है ना, एक आपकी नॉर्मल जो वैरायटी है लोकवन है, पूसा तेजस पूसा मंगल, ये 3-4, 4-5 पानी चाहिए आपके, और GW 322 और GW 273 है, ये मीडियम पानी में 3 पानी 2 पानी में हो जाती है जी। और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, इसको आप लगा सकते हैं GW 322, और आपका एक वैरायटी और है 8663 जिसे हम क्या बोलते हैं पोषक वैरायटी, उसको भी आप लगा सकते हैं, ये कम पानी चाहने वाली वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं जी। आप अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं खरगोन में, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और आपको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के पास अगर यूरिया की उर्वरक की कमी है और जो कि आजकल चल रहा है, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जैसे अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह यूरिया और DAP कहीं भी नहीं है, और अभी कुछ आ रहा है वो भी लिमिट में आ रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन किसान को ढूंढना पड़ेगा अब, क्योंकि क्या है दिन प्रतिदिन यूरिया की सब्सिडी गवर्नमेंट बहुत दे रही है और इस पर काफ़ी पैसा खर्च भी हो रहा है, तो जी, जी, इसके लिए उपाय किसान को आगे चल के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे। तो क्या जैविक खाद की तरफ किसान भाई जाए, और जैविक खाद कितनी उनके लिए कारगर है? देखिए बिल्कुल अभी बहुत सारे खाद ऐसे आ गए हैं, जैसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, है ना, समुद्र घास से जैविक खाद है, ये भी इसके लिए गेहूं के लिए उपयोग किया जा रहा है। हाँ जी। और 10 किलोग्राम लगता है दानेदार इसका आता है, और एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है। अच्छा जी। समुद्र घास से बनती हुई खाद है ये, और इसके अलावा आप गोबर की खाद आप 10 टन आप अगर मान लो एक हेक्टर में डाल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप उस 3 साल तक आपको खाद की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस आप खाद देते रहें। और यूरिया की मात्रा अगर मान लो आप कमी है तो अभी फिलहाल आप उसमें कम से कम बीज उपचार करते समय एजोटोबैक्टर से बीज उपचार कर लें। हाँ जी। और एक कंसोटिया आता है NPK कंसोटिया, जिसमें नाइट्रोजन को घोलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और पोटाश को घोलने वाले। हाँ जी।
पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं KSB पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया, PSB बोलते हैं फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, और एजोटोबैक्टर हमारी जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है यानी अपने खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, इसके लिए हम एजोटोबैक्टर से अगर मान लो बीज उपचार करके बोएं तो हमारे काफ़ी हद तक हम हमारे यूरिया की कमी को पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जमीन में नाइट्रोजन। फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। जितेंद्र राठौर जी हैं सीहोर से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी, हम ये पूछना चाहते थे कि अभी गेहूं के लिए अच्छे प्रोडक्शन वाली कौन सी वैरायटी है जो अभी लगा सकते हैं। अच्छे प्रोडक्शन में देखिए एक GW 451-451 है, पूसा तेजस है, पूसा मंगल है, ये तीन वैरायटी हमारे मध्य प्रदेश में सूटेबल वैरायटी है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन इसमें मिल रहा है, तो ये तीन वैरायटी आप लगा सकते हैं। GW 451 बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको किसान कम पसंद कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, जबलपुर से निकाली हुई वैरायटी है, और 322 और 273 भी अच्छी वैरायटी है, थोड़ा कम पानी की व्यवस्था तो इसको भी लगा सकते हैं। ये 4-5 वैरायटी हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल वैरायटी हैं, इसको आप बिल्कुल चयन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो कि अपने खेतों में तिलहनी फसल लेना चाहते हैं, और तिलहनी फसल तो नगदी फसल कहलाती है, तो तिलहनी फसलों में कौन कौन सी उन्नत किस्में और कौन कौन सी वैरायटी, मतलब क्या क्या लगा लेना चाहिए अभी उन्हें, तो जिससे वो लाभ प्राप्त करें। देखिए तिलहनी फसलें में अभी नई एक फसल की हम बात करेंगे तो अलसी एक अच्छी क्रॉप है, और अलसी का भी ट्रेंड काफी एरिया में अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे छतरपुर और टीकमगढ़ में अलसी ज़्यादा, रिसर्च सेंटर भी है टीकमगढ़ में, तो वहाँ की वैरायटी जो GVL 66 वैरायटी है और 41 वैरायटी है, ये अच्छी वैरायटी है, इसका चयन कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी ज़मीन, अगर मान लो किसान की कुछ ऐसे ज़मीन भी रहती है किसान की जो अनुपजाऊ ज़मीन है, उसके लिए एक अलसी की ऐसी फसल है जिसको आप डाल दीजिए और काट लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है। अलसी का एक इसको उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, ले सकते हैं अलसी। किसान भाई एक जो चीज़ होती है खरपतवार, इससे बड़े ही परेशान रहते हैं, तो किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण, क्या उनको पहले कोई तैयारी कर लेनी चाहिए, या मान लीजिए कि उनके खेतों में खरपतवार आ गई है तो अब वो क्या करेंगे आगे चल के। देखिए गेहूँ में तो खरपतवार नाशकों का बहुत उपयोग हो रहा है और बिना उसके हम अभी गेहूँ में खरपतवार नियंत्रण कर भी नहीं पा रहे हैं ना। गेहूँ में जैसे आपने गेहूँ की बोनी करी तो पोस्ट इमरजेंस, जैसे मैं बता रहा था पोस्ट इमरजेंस खरपतवारों का ज़्यादा चलन है, तो 20 से 25 दिन की अवस्था में जब फसल आ जाए तो उसमें 2,4-D अगर मान लो आपके खेत में सिर्फ चौड़ी पत्तियों का आपके उसमें प्रकोप है ज़्यादा, तो 2,4-D से उपयोग करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, और आपके दोनों तरह के उसमें खरपतवार हैं सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती वाला, तो मेट सल्फोलान और सल्फो सल्फोरान जो टेक्निकल आता है इसका हम 21 दिन से 25 दिन की अवस्था में इसको उपयोग कर लें तो हमारे खरपतवार गेहूं में हम ख़त्म कर सकते हैं। चने में ऐसा कोई अभी तक ऐसा वीडिसाइड डालने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मान लो खरपतवार हो रहे हैं लेकिन वो चौड़ी पत्ती वाले हैं तो वो उस फसल को भी नुकसान कर देगी, तो इसमें आप मैनुअल तरीके से या हाथ से ऑपरेटेड या लेबरों से या मजदूरों से आप उसका चारा निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी बार देखा गया है कि इतना बड़ा खेत होता है, एक छोटा सा कीट आता है, एक दिन तो लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है, तो कीट नियंत्रण किसान भाई बिल्कुल सटीक तरीके से किस प्रकार से। देखिए चने में तो हम बोलेंगे कि बिना दवाई के हम चना का उत्पादन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें चने की शुरुआती अवस्था से, हाँ शुरुआती अवस्था से जब उसमें पत्ती आने लगती हैं तो उसमें ये हेलिथेस इली आती है उसमें पत्ती खाने वाली, उसके बाद जैसे पौधों की बढ़वार होती है उसमें फिर पॉड बनना चालू हो जाता है, तो पॉड बोरर आता है, तो इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों को 2-3 तरह के केमिकल यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जैविक तरीके भी हैं। जैविक तरीके से अगर मान लो मेटराइजियम वर्टिसिलियम और बेवरिया बेसेना का अगर मान लो 2 बार स्प्रे कर दें तो इंसेक्ट आएंगे नहीं, माहो मच्छर आपके वर्टिसिलियम से ख़त्म हो जाएंगे और बेवरिया बेसेना से इल्ली, किसी भी तरह की इल्ली ख़त्म हो सकती है, ये हो गए जैविक तरीके। अगर मान लो जैविक तरीके अगर मान लो किसान भाई नहीं अपना रहे केमिकल पे जाना चाह रहे हैं तो पहले उस कीटों का देख लें, अवस्था देख लें कि हमारे
ईटीएल लेवल पे हैं कि नहीं। हमें ईटीएल लेवल मतलब हमें जो कीट हैं वो नुकसान हमारी फसल को पहुंचा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अननेसेसरी हमें दवाई नहीं डालनी है खेत में, निगरानी निरंतर निगरानी करते रहें हर 10 दिन में। अगर कीटों का प्रकोप आपको इल्लियाँ की संख्या जो ईटीएल लेवल है 1/1 मीटर में अगर मान लो इल्लियों की संख्या अधिक दिख रही है जितनी अनुशंसित है कि एक दो इल्ली है तो कोई देर जरूरत नहीं आपको डालने की, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप उससे ईटीएल लेवल से अधिक हैं तो आप पहले एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, वो भी लो डोज का इंसेक्टिसाइड हो, उसके बाद हम उससे हायर डोज पर जाएँ। नहीं तो कई बार हमने देखा अगर मान लो हायर डोज के इंसेक्टिसाइड प्रोफेनोफॉस या साइप्रोमेथ्रिन और ऐसे इंसेक्टिसाइड हम पहले यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम स्प्रे करने के लायक नहीं रहेंगे। तो हम पहले हल्की दवाई डालें, क्लोरोपाइरीफास अगर मान लो आप डाल सकते हैं पहले स्प्रे कर दें इल्ली के लिए, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, उसके बाद आप कोई दूसरी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। या तो अभी आपने इमामेक्टिन बेंजोएट एक टेक्निकल आता है वो भी सेमी ऑर्गेनिक टाइप से रहता है, और कोराजन भी एक दवा आ रही है, कई लोग दो कोराजन के डोज डाल देते हैं, या तो एक इमामेक्टिन का डाल दें एक कोराजन का डाल दें। अच्छा, या एक क्लोरोपाइरीफास का डाल दें एक प्रोफेनो प्लस साइपर का डाल दें। इस तरह से कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो चने में आप कीटों के प्रकोप से बचे रहेंगे जी। और रही आपकी गेहूं की बात, गेहूं में भी पहले 2 साल के पहले हमने देखा ही नहीं था कि इसमें कीटों का प्रकोप होता था, लेकिन पिछले 2 साल से गेहूं में भी जड़माहों की बहुत समस्या आ रही है। बीज उपचार आप कर लें, थायमेथोक्सोन से बीज उपचार कर लें, अगर मान लो आपको उसके बाद भी दिख रहे हैं तो कोई भी सकिंग इंसेक्ट का आप इमिडाक्लोरोपिड हो गया आपका, थायमेथोक्सोन हो गया, इस तरह की कोई भी टेक्निकल आप शुरुआती अवस्था में यूज़ कर लें तो जड़माहों से आप निजात पा लेंगे जी। डॉक्टर साहब, क्या टी खूंटी और जो फेरोमोन ट्रैप है ये भी कारगर रहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए चने के खेत में तो ये जैविक, मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन देता हूँ कि जैविक तरीके उपयोग करें। टी आकार की खुटियाँ आप ऐसे टी आकार की खुटियाँ आप खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दें तो उसे नेचुरल प्रेडिटर बोलते हैं, चिड़िया बैठेंगी तो चिड़िया नेचुरल तरीके से इल्लिया को खाएंगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक फेरोमोन ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप में एक कैप्सूल रहता है उसमें मादा की खुशबू रहती है और एक ट्रैप फनल जैसा रहता है उसके पॉलीथीन उसमें लगी रहती है तो उसके अंदर हम ये फंसा देते हैं, एक कैप्सूल आता है मादा की स्मेल का, तो उससे जो नर कीट हैं आकर्षित होते हैं और उस फनल ट्रैप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हेलिथ्रियस के लिए बहुत अच्छा कंट्रोल है। और हम सब्जी वाली फसल में हम बात करेंगे तो सब्जी वाली फसल में जैसे लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला हो गई, बेल वाली फसल हो गई, जैसे अभी आने वाले समय में अभी ये गर्मी जैसे स्टार्ट होगी फरवरी मार्च में तो यहाँ से कद्दू लौकी गिलकी की तैयारी लोग करने लगेंगे जी। तो उसमें आपके फेरोमोन ट्रैप बहुत सक्सेस है, मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा रिजल्ट है फेरोमोन ट्रैप के आपके जितनी भी बेल वाली फसल है, और इतना आप केमिकल से जितना अच्छा कंट्रोल नहीं होगा जितना उससे अच्छा आप फेरोमोन ट्रैप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुख्य फसल के साथ साथ में कुछ एक साइड में भी फसल लगा लें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो क्या लगा सकते हैं? देखिए इंटरक्रॉपिंग जैसे मेन आपकी फसल है उसके साथ इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। गेहूं के साथ आप चना लगा सकते हैं, 4 लाइन आप गेहूं के लगा दें, 2 लाइन चना के लगा दें, है ना। चना के आप गेहूं के साथ मसूर भी लगा सकते हैं, जैसे अब गेहूं के साथ आप सरसों भी लगा सकते हैं, 4 लाइन आपने गेहूं की लगा दी या सरसों की लगा दी। तो कई बार कैसा होता है जैसे दो क्रॉप आपकी दो फसल लगी रहेंगी खेत में तो जैसे पाला पड़ गया, कई बार क्या देख होता है जैसे ठंड, जैसे इस बार देख रहे हैं पहले से आ गई ठंड तो पाला पड़ने की संभावना इस बार ज्यादा है। तो चने अगर मान लो किसान भाई, क्योंकि घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमारा समय समाप्त हो चुका है, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी रोचक जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों फिर होगी मुलाकात अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार।